सो सुहे गाय आज की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का दिल से दिल से दिल से स्वागत है तो गाय आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं दो ऐसे बीस लेवल के गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि आपको बजट में देखने को मिल जाएंगे और ये दोनों स्मार्टफोन स्पेशली फॉर गेमिंग डिजाइन किए जाते हैं इसलिए आपके मन में भी ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि यार अगर हमें इन दोनों स्मार्टफोन में से अगर चूज करना पड़े तो हमें आखिर कौन सा स्मार्टफोन चूज करना चाहिए जो कि आपको गेमिंग ऊपर से अगर आप स्ट्रीम करना चाहते तो उसके लिए एकदम बेहतर साबित हो जाए जी हाँ गाइस आज की वीडियो में हम लोग कम्पेरिजन करने वाले हैं रेडमी के फोर्टी गेमिंग एडिशन वर्सेस ब्लैक शार्क फोर के बीच में जानेगा की इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको गेमिंग के लिए कौन सा स्मार्टफोन और भी ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाएगा क्योंकि हम सभी को पता है कि दोनों स्मार्टफोन गेमिंग के लिए डिजाइन किए जाते हैं और इसलिए इसमें आपको स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स बहुत ज्यादा भर भर के देखने को मिलते हैं और ऊपर से जो दोनों स्मार्टफोन है वो चाइना में तो हो चुके हैं लॉन्च और मुझे लगता है कि Redmi K40 फोर्टी गेमिंग एडिशन भी हमारे इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा लेकिन ब्लैक शार्क फोर के बारे में अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि ब्लैक शार्क थ्री ही अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है हमारे इंडिया में तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते कि ब्लैक शार्क फोर कब लॉन्च होगा लेकिन हाँ जब भी लॉन्च होगा आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई एक स्मार्टफोन चूज करना पड़े तो आपको कौन सा स्मार्टफोन चूज करना चाहिए ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसी कारण से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो तक बने रहिएगा तो चलिए बिना किसी तरीके हमारी आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं सो so गई सबसे पहले हम रेडमी के फोर्टी गेमिंग एडिशन वर्स ब्लैक शार फोर के कुछ स्पेसिफिकेशन को कंपेयर कर लेते हैं कि यार आप स्पेसिफिकेशन कौन सा स्मार्टफोन बेहतर प्रोवाइड करके देता है लेकिन उसके पहले हम इसके प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जहां पर रेडमी के फोर्टी गेमिंग एडिशन स्मार्टफोन है वो चाइना में लॉन्च हुआ है लगभग साढ़े तेईस हजार रुपए के प्राइस रेंज में अगर हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो वही ब्लैक शॉक फोर हुआ है साढ़े अट्ठाईस हजार रुपए के प्राइस रेंज में लेकिन ये श्योरिटी रखी कि जब भी हमारे इंडिया में आएंगे तो डेफिनेटली इनका प्राइस इंक्रीज होते हुए दिखाई दे देगा जहां पर रेडमी के फोर्टी गेमिंग एडिशन आपको थर्टी थाउजेंड के अंडर देखने को मिल जाएगा और ब्लैक फोर आपको देखने को मिल जाएगा 35, के अंडर। आप का कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई गलत स्मार्टफोन बाय तो तो नहीं कर लोगे तो कैसे इसके बारे में में तो हम आगे डिटेल में बात करने ही वाले कि गेमिंग में आपको कौन सा स्मार्टफोन बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देता है। लेकिन उसके पहले हैं को कर लेते, तो अभी आप देख सकते इसके कुछ हाईलाइट पार्ट के बारे में हम डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में दोनों का जो डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा उसमें आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा सबसे पहले बात करते हैं रेडमी के फोर्टी गेमिंग एडिशन के बारे में तो वहां पे आपको वन ट्वेंटी रेट वाला एक ओ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा विद फोर एटी हट टैंपलिंग रेट के साथ में और वो जो डिस्प्ले वो एफ एस डिस्प्ले है लेकिन वही ब्लैक शार्क फोर में आपको देखने को मिलता है का रिफ्रेशिंग रेट वाला एक डिस्प्ले विच डी रेजुलशन के साथ में और वहां आपको सेवन ट्वेंटी का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगा तो ये इसमें कोई कन्वर्सेशन की बात ही नहीं है क्लियर के आता है ब्लैक शार्क लेकिन वही बात करते हैं रैम और रोम के बारे में रेडमी के फोर्टी गेमिंग एडिशन में आपको एलपीडियर एस एन यस थ्री पॉइंट वन राम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा लेकिन वही ब्लैक शार्क फोर में आपको देखने को मिलता है एलपीडियर आर फाइव And ROM का सपोर्ट तो फिर से पे ब्लैक फोर विनर निकल के आता है रैम और रॉम के मामले में लेकिन वही बात कर इस फोन के मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट जो कि निकल के आता है इसका प्रोसेसर तो रेडमी के फोर्टी गेमिंग एडिशन में आपको मिलता का 1200 चिपसेट जो एक वाला चिपसेट है और नो डाउट सेट फाइव जी चिप है लेकिन वही ब्लैक शॉक फोर में आपको मिलता है स्नैप ड्रगन का एट सेवन टी जो की सेवन वाला चिपसेट है एंड अगेन वो एक डुअल फाइव जी चिपसेट भी है तो यार दोनों का ही चिपसेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल चिपसेट है लेकिन हाँ स्लाइटली बेटर

वो देखने को मिल जाएगी स्मूथ में एक्सट्रीम बैलेंस में अल्ट्रा एच में अल्ट्रा एंड एच डी आर में भी अल्ट्रा एंड हाँ अल्ट्रा एच तो अभी फिलहाल सपोर्टेबल नहीं है लेकिन वो बहुत ही जल्दी अनलॉक हो जाएगा लेकिन वही ब्लैक शार्क फोर के ग्राफिक्स की बात कर लेते तो पे आपको देखने को मिलता है स्मूथ में एक्सट्रीम बैलेंस में एक्सट्रीम मेंचडी में एक्सट्रीम एंड एच डी आर में भी आप उसमें ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाएंगे एंड अल्ट्रा एच की बात करते तो हैं पे आपको अल्ट्रा ग्राफिक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा तो ग्राफिक्स के मामले में क्लियरली मैंने निकल किया था ब्लैक शार्क फोर क्योंकि आपको पे आपको आर में भी एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिलता है हालांकि गाइस मैं बता दूं कि दूर डिमेंसिटी ट्वेल हंड सेट एंड एट सेवेंटी सिप सेट का जो स्कोर आता है वो लगभग लगभग लग लग काफी ज्यादा करीब देखने को मिल जाएगा लेकिन एट सेवन का जीपी थोड़ा ज्यादा पावरफुल होने के कारण यहाँ पे आप आपको ग्राफिक्स काफी ज्यादा तकड़े देखने को मिल जाएंगे लेकिन वही बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं स्मूदर एक्सट्रीम के के गेम प्ले बारे में तो दोनों में ही पे आप आपको स्मूदर एक्सट्रीम में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा कोई भी ग्राफिक्स के मामले में कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा इवन ईवन आपको फ्रेम ड्रॉप भी देखने को नहीं मिलेगा जी आगे अगर आप दोनों में ही एडीआर में भी गेमिंग करोगे तो कोई भी रेंडरिंग को लेकर भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि स्मूदर एक्सट्रीम में भी यहाँ पे आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है जी आगे घर दोनों ही डिवाइस में अगर आप स्मूद एक्सटे में गेम प्ले करोगे तो पे आप आपको प्रॉपर सिक्सटीपेज देखने को मिल जाएंगे एनी हाउ कंडीशन जी अगर आप सह कभी काम करते हैं तो दोनों ही फोन सिमिलरली सिक्स को मेंटेन कर पाते हैं आप आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएंगे एनी हाउ कंडीशन लेकिन जैसे मैं बता रहे आप आपको बेनिफिट देखने को मिलता है ब्लैक शार्क फोर में क्योंकि वो में जैसे की स्टेबिलिटी रखता है उसी तरीके की स्टेबिलिटी वो रखता है एच डी एक्सट्रीम में जी अगर आप एस डी एक्ट्रीमस में भी गेम प्ले करोगे तो हालांकि स्मूथ एक्सट्रीम के में पे आपको थोड़ा एक दो एपिस का फर्क देखने को मिल जाएगा लेकिन हाँ वहां पे आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल उसी लेवल की देखने को मिल जाएगी किसी भी अगर आप सिचुएशन में गेम प्ले कर रहे हैं तो लेकिन वही रेडमी की गेमिंग एडिशन में आप एसडीआर में अल्ट्रा ग्राफिक्स में ही गेम प्ले कर पाएंगे हालांकि यहाँ पे भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा फोर्टी एपिस में कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हाँ अगर आपको एच डर एक्सट्री में भी कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा तो यार एस डी आर अल्ट्रा को क्यू चूज करोगे ये पॉइंट निकल के आता है तो देखा जाए तो स्मूथ एक्सट्रीम के कंपेजन में आपको

मिस नहीं होनी चाहिए तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैव अ गुड डे सुपर हिट सुपर हिट पसंद आया लाइक करो पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो लव यू